हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकल चुके हैं। सो बता दे हम कहाँ, बता देना। पहले मैंने सोचा था कि सरप्राइज रखेंगे, जब हम पहुंचेंगे उस जगह पे तब हम आपको बताएंगे, बट बता ही देते हैं जिससे कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख लो, नहीं तो हम नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं सोची बता देती हूँ। तो हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से जो कि यूट्यूब स्टार है, बहुत ही फेमस है, उनको हर एक एक बच्चा जानता है। वो जिस जगह से गुजरते हैं ना वहाँ पे भीड़ ही भीड़ लग जाती है। मतलब बहुत ही बड़े यूट्यूब स्टार हैं, इंस्टा पे मतलब हर चीज पे आप लोग उनको देखते होंगे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, और जिसका नाम है सौरभ जोशी। तो हम जा रहे हैं सौरभ जोशी से मिलने के लिए और अभी निकल चुके हैं हम लोग, और जस्ट अभी अभी निकले हम लोग, आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी हमको, 10-15 मिनट हुएंगे ना, 10-15 मिनट हुए हमको निकले हुए। और हम पहले जाएंगे बरेली, बरेली में हमको थोड़ा सा काम था, फिर उसको करके फिर वहीं से निकल जाएंगे हल्द्वानी। तो बस मिलेंगे आज, तो बहुत डर भी लग रहा है। मैं कल से मैं सोच रही थी ना कि जब मिलेंगे तो पता नहीं वो मिलेंगे हमसे कि नहीं मिलेंगे, और बहुत डर सा भी लग रहा है कि इतने बड़े मतलब यूट्यूब स्टार हैं और सेलिब्रिटी हो गए, तो पता नहीं वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि वो हमसे मिलेंगे कि नहीं, तो हमको भी अभी नहीं पता है। और एड्रेस तो नॉर्मली वहां जाके पता कर ही लेंगे हल्द्वानी जाके। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं और पहुंचेंगे हल्द्वानी, और आप मेरे वीडियो पे बने रहना शुरू से एंड तक, वीडियो जरूर जरूर देखिएगा पूरा। मैं ब्लॉग शूट करूंगी वहां जाने के बाद, एक एक चीज आपको दिखाऊंगी, कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, और सब कुछ सबसे मिलवाऊंगी, अगर मतलब हमसे मिले तो सबको आपको दिखाऊंगी। तो बस जुड़े रहना वीडियो पे, मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, मेरा दिवाली का वीडियो भी नहीं गया था, भाई दूज का भी नहीं गया था, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो वगैरह कुछ भी ब्लॉग नहीं डाल पाई, और बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं गया है, इस वजह से जो है ना बहुत बहुत गैप हो गया, मतलब 15-20 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड का ना फ्रेश होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं था इतने दिनों से मेरा। तो बस आज निकल पड़े हैं, सोचा थोड़ा सा दिमाग भी ठीक हो जाएगा जब बाहर जाएंगे घूमने। तो बस चलते हैं, मिलते हैं सौरभ जोशी से, और बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, और बहुत सच्ची बताऊं बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है कि पता नहीं वो हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और किस तरीके से मैं बात करूंगी, क्या बोलूंगी क्या नहीं। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। तो हम लोग को कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे तो लगेंगे, मतलब कि यानी कि 11-12 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। मतलब पूरा एड्रेस हमको कंफर्म नहीं है कि इसी जगह रहते हैं, तो थोड़ा सा पूछने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस बने रहना मेरे वीडियो पे, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हमको थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी हुई है, तो अभी थोड़ा सा काम था, तो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी, थोड़ा सा काम जो था वो करने के लिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, मतलब 10-15-20 मिनट तो लगने ही वाले हैं। तो बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, निकलेंगे फिर थोड़ी देर में 10-15 मिनट के बाद। तो अभी वो गए हैं किसी काम से। तो बस यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है सच्ची में, यहाँ पर वीडियो ना बहुत अच्छी मिलेंगे, आप लोग देख सकते कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा है यहाँ का व्यू। तो अभी गए हुए हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा मुर्गी का या चिड़िया का शायद बच्चा लग रहा है, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, ये मर गया है मुझे लग रहा है, मैं यहाँ टहल ही रही थी तो ये मेरे दिख गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ पेड़ है, हरसिंगार का पेड़ बोलते हैं शायद। तो यहाँ पे आप लोग देखो पूरे में ये फूल ही फूल हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं सच्ची में, वाइट कलर के हैं, और इसकी खुशबू में क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू लग रही है। ये देखो, अभी हम किचा पहुंच चुके हैं, और किचा से हमको कितना टाइम और लगने वाला है? अभी 1 घंटा हमको और लगेगा। तो इन 200 meters turn right toward काशीपुर सितारगंज हाईवे, क्योंकि यहाँ के है फेमस, ये हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं मतलब आधा 1 घंटे में, तो यहाँ की फेमस चीज जो है ना हमें मिल गई, मतलब अमरूद। एक अमरूद आप देख लो ना, आधा किलो का होगा, मतलब इतना बड़ा अमरूद है, और इतने टेस्टी होते ना खाने में, मतलब आप सोचोगे कि ये बड़ा है टेस्टी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये इसका रुद्र हल्द्वानी का जो ये अमरूद है ना, ये टर्न राइट ऑन टू काशीपुर सितारगंज हाईवे, यहाँ पे ले लिए अमरूद, ये बहुत सारे लिए हैं हमने लिए हैं 2 किलो अमरूद,
दो किलो में सच्ची बताऊं एक दो तीन चार मतलब चार अमरूद चढ़े हैं। तो बस अभी हमने इसको काटा नहीं क्योंकि इन 50 मीटर्स एट द राउंड अबाउट टेक द फर्स्ट एग्जिट ऑन टू बरेली नैनीताल रोड कीचा बाईपास। और 12 बज रहे हैं अभी, 11:30 बज रहे हैं, तो बस कहीं रोकेंगे और खाना वगैरह खाएंगे रुक के, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग हल्द्वानी बस पहुंच ही गए, बिल्कुल आई गए बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप लोग नैनीताल के पहाड़ देखना, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये देखो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, एक मिनट ये देखो ये पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं बिकुल सौरभ जोशी के घर के मतलब गली के बाहर है, और बस आप लोग देख लो ये उनकी कॉलोनी है, ये देखिए आप यहाँ पे रहते हैं, ये पड़ गई कॉलोनी नहीं रहे, ये देखो ओलिविया कॉलोनी नहीं, ये आगे सौरभ जोशी की कॉलोनी। और अभी हम चलेंगे अंदर और यहाँ खड़ा है गार्ड, और अब जोशी की है कॉलोनी जो कि ओलिविया कॉलोनी है, और यहाँ पे गेट पे जो है ना गार्ड बैठे हैं जो कि हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, मतलब अनुमति नहीं है। वो सबसे वीडियो में कहते हैं कि कोई भी आ सकता है मिलने के लिए, सब लोग आ सकते हैं मिलने के, नॉर्मल हर इंसान आ सकता है, बट मिलने के लिए नहीं दे रहे हैं। और अंदर तो हम चले गए थे बट उन्होंने कहा नहीं मिल सकते हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं पता नहीं क्या, कि सौरभ जोशी दिल्ली गए हुए हैं, फैमिली में कोई भी नहीं है अभी घर पर, तो वो क्या करें अब देखते हैं, गार्ड से बात करते हैं, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, बात करके देखते हैं उनसे। तो आप लोग देख लो कॉलोनी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं इतनी दूर से आए थे यार, नहीं मिल पा रहे हैं, ये बच्चे भी मिलने आए सौरभ जोशी से बट ये मिलने ये भी नहीं पाएंगे, तुम लोग भी मिल नहीं पाओगे सच्ची में, नहीं मिल पाएंगे पक्का, क्योंकि हमको नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये लोग भी मिलने आए हुए हैं सौरभ जोशी से बट ये लोग भी नहीं मिल पाएंगे, हमने इनसे पता किया था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये लोग बोले हम भी मिलने आए हैं बट नहीं मिल पाएंगे। और इसे बहुत बोला, रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ हमको सिर्फ उनके घर के बाहर की वीडियो बनाने दे दें, नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, बट नहीं जाने दिया, मतलब अंदर तो जा सकते हैं मतलब, लेकिन गेट तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते, उनसे मिल भी नहीं सकते हैं। और वो हमारा लक है कि वो यहाँ से जाएं तो हम मिल सकते हैं, बट कब तक इंतज़ार करेंगे कुछ टाइम का पता नहीं है, उनको भी नहीं पता है कि कब तक मिलेंगे कब तक आएंगे कुछ नहीं पता है। खाली में यार सौरभ जोशी सबसे कहते हैं आओ मिलने आ जाओ, और जो भी मिलने आएगा सबसे नॉर्मल इंसान से मिलेंगे, यार क्यों झूठ बोलते हो फेमस होने के बाद यार हम लोगों से मिलते तक नहीं हो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, घर को निकलेंगे क्या करेंगे, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम यहाँ तक आए नहीं मिल पा रहे हैं, ये गेट देख लो आप। हम लोग यहाँ रुके हैं पंजाबी रसोई, तो यहाँ पहले हम खा लेते हैं खाना क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं हम, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, तो बस अभी चलते हैं फटाफट, पहले खा लेते हैं खाना फिर उसके बाद चलेंगे एक बार फिर। चाचा चाची से मिल लेंगे, बट बस ना सीधे अंदर गई, मतलब गेट के अंदर गई और बस वहीं जाके रुकी, तो हम उनसे भी नहीं मिल पाए। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है कि आप जब हम लोग की वजह से, हम मीडिया मतलब जो हम लोग
की वजह से ही वो हम लोग जो लोग वीडियो देखते हैं उन सबकी वजह से यहाँ सौरभ जोशी कहाँ से कहाँ पहुँचा है। बट हम लोग से मिलने के लिए ना इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है, और अंदर का ना जो है अंदर गेट के अंदर अगर आप जाओगे तो कैमरा भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वाईफाई लगा है तो कुछ भी मतलब वहाँ पे आप सूट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर का खाली मैंने आपको दिखा दिया है कि हम यहाँ तक हैं, मतलब गेट के बाहर तक हम लोग थे, बहुत देर खड़े रहे हम, 2 घंटे खड़े रहे यहाँ पे। तो अभी हम निकल रहे हैं घर। तो यार ऐसे घमंडी की तो सच में मैं वीडियो कभी ना देखूँ, सच्ची कह रही हूँ, मैं कभी ना देखूँ ऐसे इंसान की वीडियो। तो बस चलते हैं अभी घर, मिलते हैं थोड़ी देर में। मूड भी ऑफ हो गया है, सुबह क्या क्या सोच के निकले थे, क्या क्या सोचा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं, जो लोग ब्लॉगर हैं, उनसे अच्छे तो मुझे लगता है वो लोग हैं जो मिल तो लेते हैं नॉर्मल लोगों से, और इनसे मिलने की तो इतनी परमिशन यार। फिलहाल तो सौरभ जोशी मुझे लग रहा है घर पर भी नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली गया। आज का ब्लॉग जिसने देखा होगा तो उनको पता होगा कि वो दिल्ली में है इस टाइम। और हमने सोचा था कि चलो वो नहीं मिलेगा तो उसकी फैमिली से कोई तो मिलेगा, उसके घर का वीडियो बनाएंगे, बहुत कुछ सोचा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किस्मत होती है जो मिल पाएगा। तो बस निकलते हैं अभी घर, मिलते हैं थोड़ी देर में। हमने गार्ड से कहा कि मतलब सौरभ जोशी जो है ना वीडियो में कहते हैं कि मिलने आ सकते हो नॉर्मल, कोई पाबंदी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मिलने आ सकता है उनसे। बट गार्ड ने बताया कि वो वीडियो में ऐसे ही बोलते हैं, मतलब वो कह रहा है कि वो ऐसे ही बोलते हैं। उन्होंने खुद ही पर्सनली कहा है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति ना दें, और ख़ास तौर जो भी मतलब मेरे साथ वीडियो के लिए आए हैं उनके लिए बिल्कुल भी ना। तो ऐसा उनके गार्ड ने हमें बताया था। तो जब गार्ड की भी कोई गलती नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सौरभ जोशी ने खुद ही उनको पर्सनली बोल रखा है, तो क्या कर सकते हैं, वो भी उनकी भी मजबूरियाँ हैं। तो बस कोई बात नहीं, नहीं मिला है कोई बात नहीं, आज के बाद मैं उनके ब्लॉग ही नहीं देखूंगी सच्ची में। एक टाइमिंग होनी चाहिए यार मिलने के लिए, मतलब कोई दूर से आएगा, इतनी दूर से मिलने आएगा सौरभ जोशी से और वो नहीं मिलेगा तो यार बहुत बुरा लगेगा। एक टाइमिंग उनको रखनी चाहिए सौरभ जोशी को, कि 2 से 3 या 12 से 3, मतलब एक टाइमिंग रखनी चाहिए मिलने के लिए, तो उतने टाइम में ही मिल सके वो। बट ऐसा नहीं है कुछ भी। कोई बात नहीं, घर चलते हैं। मैं यहाँ के आपको दिखा देती हूँ, नैनीताल के पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं इस टाइम पे, आपको दिखाती हूँ बैक से। कितना प्यारा पहाड़ दिख रहा है यहाँ से, मतलब नैनीताल का पहाड़ आपको दिख जाएगा यहाँ से, ये देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है। कार है फोर्ड की, तो यहाँ पे कुछ देखना था इनको, सामान वगैरह, बस अभी ये देखेंगे। है कहाँ यार फोर्ड का यार, अभी बोर्ड तो लगा था यार यहाँ। हाँ लगा है वो है, रुपा दुपा। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था इनको, तो अभी जाएंगे सामान लेने के लिए। दिख रहे हैं सच्ची में यार, आपको कहीं शांति वाली जगह आनी है ना, सच्ची में आप उत्तराखंड आ जाओ, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत शुद्ध वातावरण है, मेन चीज़ है, आपको कहीं भी पॉल्यूशन वगैरह कहीं नहीं दिखेगा।
और बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। मतलब ये जो पहाड़ दूर से दिख रहे हैं ना, इसको देख के ना आप अच्छा सा एकदम फील करोगे, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी, जब भी आपको घूमने का मन करे तो प्लीज़ उत्तराखंड ही आए आप लोग, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी है। तो हम लोग आए यहाँ तक, यहीं से वापस लौट जाएंगे। तो बस यहाँ का पहाड़ आप देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ यहाँ का।